स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा ऐतिहासिक पटल मैदान मंडी में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर क्लस्टर विश्वविद्यालय की वाइस काउंसलर डॉक्टर अनुपमा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश बालिया विशेष रूप से उपस्थित हुए। वहीं इस प्रतियोगिता में फ्रंट 11 टीम ने शिव शक्ति गुटकर को हराकर जीत अपने नाम की। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 31,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया, जबकि उपविजेता टीम को 21,000 की राशि इनाम के रूप में दी गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्लस्टर विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में अन्य जगह पर भी इस तरह के कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाती है। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले तो बधाई क्लस्टर विश्वविद्यालय की इकाई की पूरी टीम को देता हूँ। और आज एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, एक अच्छा मैच देखने को भी मिला, जिसमें जो खिलाड़ी जीते उनको बधाई देता हूँ और सबके भविष्य के लिए आने वाले समय में उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला भविष्य उनका अच्छा हो। स्वामी विवेकानंद जी ने देश और समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति पैदा करना, तैयार करना, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का एक सपना था। ये भारत विश्वगुरु बने उसको लेकर विवेकानंद जी ने अपना सब कुछ न्योछावर किया। अपने जीवन की परवाह न करते हुए वो देश और समाज के लिए काम करते थे। और मैं आगे आने वाली पीढ़ी से भी निवेदन करता हूँ कि आगे आने वाले समय में विवेकानंद जी के विचार को हम आगे लेके जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी में देश और समाज के लिए कुछ करने की भावना हमेशा जागृत रहे। आज की युवा के बीच में भी इस देश और समाज के लिए कुछ रहे, इस देश और समाज के लिए कुछ करने की एक भावना रहे, इन्हीं विचारों के साथ जो है आज यह कार्यक्रम किया गया।